नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। शुरुआत दिल्ली से जुड़ी इस खबर से। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को विज्ञापनों में पब्लिक फंड के बेजा इस्तेमाल के मामले में 10 दिन के अंदर 163 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। नोटिस में ये चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन के अंदर रकम जमा नहीं की गई तो कानूनन कार्रवाई होगी। इस नोटिस से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक रस्साकशी एक बार फिर बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है। बीजेपी थोड़ी रिकवर करा रही है, बीजेपी तो सिर्फ पक्ष ले रही है दिल्ली की जनता का कि हमारा खजाना लूटा गया है। 10 दिन के भीतर 164 करोड़ रुपए जमा करें वरना पार्टी का दफ्तर सील हो जाएगा। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय की तरफ से सीएम केजरीवाल के नाम जारी हुए इस रिकवरी नोटिस ने आम आदमी पार्टी को भड़का दिया। मीडिया में नामुदार हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अफसरों के जरिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही है, मुख्यमंत्री को भी निशाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही। अफसरों को जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। इसके एक महीने के बाद ये नोटिस भेजा गया है, लेकिन इसमें रकम 164 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल को नोटिस भेजने वाले अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा है कि वो कौन कौन से विज्ञापन हैं जिन पर आपत्तियां हैं, विज्ञापनों में ऐसा क्या है जो गैर कानूनी है। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से एड है, एड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ सारी दिल्ली में लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के अखबारों में रोज एड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग एड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के सरकारी खजाने को लूट रही है, जबकि सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी अधिकारियों के जरिए दिल्ली सरकार पर असंवैधानिक नियंत्रण रखना चाहती है। सिसोदिया ने यह सवाल भी दागा है कि क्या जिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपते हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। पार्टी ने अपना चेहरा चमकाया, पार्टी के अकाउंट को सीज करिए, वहां से जो हिसाब बनता है ले लीजिए, और नहीं अगर कुछ और लोगों का जिनका चेहरा इसमें चमका होगा राजनीतिक रूप से तो वो लोग की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप पिछले एक महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार, मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल उत्तर प्रदेश हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के देशभर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। सूत्रों के मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय तक रकम का भुगतान नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी और एलजी की साठगांठ से रची गई साजिश बता रही है। मनीष सिसोदिया जी बता दें कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट दिए, पक्का हो जाएगा। ये तो रूल है, ये बीजेपी थोड़ी रिकवर करा रही है, बीजेपी तो सिर्फ पक्ष ले रही है दिल्ली की जनता का कि हमारा खजाना लूटा गया है, और अपनी योजना का प्रचार करना वो आपके अधिकार में है,
लेकिन राजनीतिक दल का प्रचार खजाने के पैसे से आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया, चालाकी की, तो रिकवर होगा। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात एलिस वास जी की नहीं है, ये किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, ये इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। उस जनता की, उस दिल्ली के लोगों की जो टैक्स पेयर हैं, उन टैक्स पेयर के अपनी कमाई को आपने डीआईपी के माध्यम से अपने निजी, जिसे कहते हैं कि अपने निजी जनसंपर्क को दिखाने के लिए, अपने निजी भव्य होर्डिंग लगवाना, पोस्टर लगाना, उन सब खर्चों में इस तरह से उन्होंने किया कि जो कभी भी मान्य नहीं हो सकता। विज्ञापन को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा है। इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना ठीक नहीं है। आपने मुझे विदेश जाने से रोका, कोई बात नहीं, पर शिक्षकों को तो फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए, उन्हें तो मत रोकिए। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, एलजी साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके एलजी साहब के पास भेजा था। उनका कहना है कि देश में ही ट्रेनिंग करा लो। उपराज्यपाल पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की इन आरोपों के बाद बीजेपी भी जवाब के साथ हाजिर हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकारी खजाने के लूट का जवाब देने की बजाय लोगों का ध्यान भटका रही है। बीजेपी तो सिर्फ दिल्ली की जनता की पैरोकारी कर रही है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में है, सत्ता में दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और उसने 8 साल में लगभग 4800 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो हम 4800 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, अनैतिक रूप से वो भी किया। लेकिन भाई ठीक है, आप योजनाओं का प्रचार कर रहे हो, कोई मुख्यमंत्री योजना का प्रचार करे तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम नैतिक रूप से कह सकते हैं, अरे यार थोड़ा ज्यादा खर्चा कर रहे हो तुम, ठीक है वो आपका निर्णय है। सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के, अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि अब फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच की तकरार बढ़ने लगी है। चाहे विज्ञापन के पैसे की रिकवरी हो या फिर शिक्षकों की ट्रेनिंग पर रोक का मुद्दा, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद के नए नए अध्याय खुलते जा रहे हैं। पल्लवी झा के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 24।